never made it. Guys, welcome back to my channel Style Classy. How are you all? तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है हिमालय के प्रोडक्ट पे, एंड ये है प्रोटीन हेयर क्रीम विद एक्स्ट्रा नरिशमेंट, नरिशेस हेयर, कीप्स हेयर हेल्दी. तो ये प्रोडक्ट है कुछ, तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट है कुछ 100 ml का, एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 years है, एंड प्राइस इसका 80 rupees है. तो अभी हम इसको लगाने वाले हैं. एक बार लगा चुकी हूँ, रिज़ल्ट वाइज ये अच्छा रिज़ल्ट देता है. एंड ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है और टब में आता है, प्लास्टिक का है ये. एंड इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक लिड और मिलेगी. जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें कुछ प्रोडक्ट इस तरह का मिलेगा. ये आप एक टब को दो बार यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर लेंथ. तो मेरे हिसाब से मैं इसको दो बार यूज़ कर सकती हूँ. एक बार मैं कर चुकी हूँ, अभी जो भी प्रोडक्ट बचा है वो आज मैं लगाने वाली हूँ. तो अभी हम इस प्रोडक्ट का डेमो एंड रिव्यू दोनों करेंगे. पहले मैं लगाऊँगी एंड देन फिर इसके जो भी रिजल्ट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी. आप लोग सोचोगे मेरे ये हेयर ऐसे zigzag टेढ़े मेढ़े कैसे हो गए, तो मैंने स्ट्रेटनिंग स्मूदनिंग करवाई थी. आप लोगों को याद हो वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा. मैंने केरा स्मूदनिंग कराया था, तो अभी वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए मेरे हेयर ऐसे हो गया. अभी मैं थोड़ी से, जब मेरे हेयर लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं वापस से स्मूदनिंग या फिर रीबॉन्डिंग, जो भी मुझे उस टाइम पर ठीक लगेगा वो मैं कराऊँगी. तो थोड़ा सा बेयर करिएगा मेरे बालों की हालत को. वैसे बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ ऐसा स्प्लिट एंड्स का भी प्रॉब्लम नहीं है. बस ये है कि बाल थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं. तो चलिए अभी लगाते हैं ये प्रोडक्ट और देखते हैं कि क्या है. तो मैंने हेयर वॉश कर लिया. आप चाहो तो वॉश करने से पहले भी लगा सकते हो, आप चाहो तो वॉश करने के बाद भी लगा सकते हो. मैंने हेयर वॉश करके सुखा लिए हैं, एंड मैंने आज कोई कंडीशनर नहीं लगाया है. आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो कंडीशनिंग ना करें बालों की, बस सिर्फ आप शैम्पू यूज़ करें. तो अभी इसको लगाना स्टार्ट करते हैं. पहले मैं इसको पूरे स्कैल्प पे लगा लूँगी, एंड फिर उसके बाद मैं अपनी लेंथ पे इसको लगाऊँगी. तो स्टार्ट करते हैं. आज मैं ये टब पूरा ही ख़त्म कर दूँगी. आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये वाइट है, बट इसमें है काफ़ी बचा हुआ है जो आराम से मेरे बालों में लग जाएगा. मेरे बाल वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो इस तरह से इसको बहुत अच्छे से स्कैल्प पे लगा लेना है. तो इस तरह से आप आपके बालों के हिसाब से, आप आपके हिसाब से जितना भी क्वांटिटी आप चाहो आप लेके लगा लो. एंड इसको फिर बाद में जब ये लग जाएगा प्रॉपर आपके आपके स्कैल्प पे और आपके लेंथ पे, तो हम इसको फिर 10 मिनट तक मसाज करेंगे और फिर हम अपने बालों को स्टीम देंगे. एंड उसके बाद फिर हम इसको नॉर्मल, आप जो भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हो वो लगा करके हम फिर इसे वॉश कर लेंगे. तो ये एज अ स्पा आप इसका यूज़ कर सकते हो. जनरली हम स्पा कराने जाते हैं तो बहुत महंगा होता है और 150-2000 rupees खर्च हो जाते हैं, बट आप रीज़नेबल रेट में अगर स्पा घर पे ही करना चाहते हो लॉकडाउन में स्पेशली, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. आप सोच रहे हो कि मैंने लॉकडाउन में से लिया कहाँ से, तो ये मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था. एंड ये वाला मैंने अभी लिया है, मेरे नीचे एक शॉप है घर के नीचे, तो वो ओपन हो जाती है, तो ये वाला मैंने लिया है अभी. ये एंटी हेयर फॉल, ये एंटी हेयर फॉल है. मुझे एक्चुअली प्रोटीन ही चाहिए था, बट ये बाय मिस्टेक एंटी हेयर फॉल उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने देखा भी नहीं. तो बाद में जब मैं इसको लगाऊंगी तो मैं इसका भी रिव्यू शेयर करूंगी कि इसके क्या रिजल्ट्स रहे. तो स्कैल्प पे मैंने लगा लिया है, अभी मैं फटाफट पीछे भी लगा लेती हूँ. चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो. आई एम सो सॉरी. आप लोग चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो ये लगाने के लिए, ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मुझे हाथों से ज़्यादा ईजी रहता है. एंड हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप लगा सकते हो. तो लेंथ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और अभी मैं इसको, आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको आपके पाम पे ले लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, एंड अब आप इसको इस तरह से लगा सकते हो. आपके बाल थोड़े से स्टिकी हो जाएंगे, बट नो वरीज, बाद में रिज़ल्ट तो आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं.
एंड अगर आपके पास घर पे स्टीमर अवेलेबल है तो आप स्टीमर लगा लो, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप हॉट टॉवल का भी यूज़ कर सकते हो, गर्म पानी में टॉवल को डिप करने के बाद फिर आप उसे भी लगा सकते हो। तो मेरे पास ऐसा सच अभी कोई स्टीमर है नहीं तो मैं टॉवल का ही यूज़ करने वाली हूँ, तो फिलहाल अभी मैं इसको लगा लेती हूँ। एंड आपके एंड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिनको स्प्लिट एंड्स हैं वो आपके एंड पे इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट लगा सकते हो। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इसमें इसमें चिकपी है जो कि आपके बालों को डैमेज फ्री करेगा, एंड आंवला है जो कि आपके बालों को नरिश करेगा। तो एंड ये हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसा ये क्लेम करते हैं, तो मैंने इंग्रेडिएंट्स एज सच आप लोगों को पढ़ के बताए नहीं हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, तो आप एक बार ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। तो अभी मैंने ये लगा लिया है, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है उसको मैं इस तरह से अच्छे से पूरे टप को अपने फिंगर से क्लीन कर दूंगी, जो भी प्रोडक्ट इसमें बचा हुआ है चिपका हुआ है वो सारा मैं निकाल लूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी। तो अभी आप देखो ये टप जो है वो पूरा एम्प्टी हो गया है, एंड जो भी प्रोडक्ट था वो मैंने लगा लिया। एंड अभी हमें इस अपने हेयर को मसाज करना है, तो मैं 10 मिनट तक मसाज करूँगी, उसके बाद मैं हॉट टॉवल यूज़ करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, फिर मैं हेयर वॉश करूँगी और अब मैं डायरेक्टली आप लोगों को मिलूँगी हेयर वॉश करने के बाद में। एंड आप चाहो तो इसको इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हो, ट्विस्ट करने से क्या होगा जो भी प्रोडक्ट है वो पूरे बालों में स्प्रेड हो जाएगा एंड अच्छे से लग जाएगा पूरे बालों में। तो आप इस तरह से बन बना सकते हो, बन ही बनाना और कोई ऑप्शन है भी नहीं, फिर आप स्टीम ले लो। तो अभी मैं आपको मिलूंगी हेयर को वॉश करने के बाद, टिल देन बाय। फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और अभी ये प्रॉपर सूखे नहीं है, कुछ थोड़े थोड़े से गिले हैं, तो मैं हल्के वेट हेयर में ये सीरम लगा लेती हूँ। मैंने 3 पंप लिया है, ये सीरम है स्ट्रीक्स का सनब्लॉक हेयर सीरम, इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये सीरम हम लगा लेते हैं एंड बालों का जो टेक्स्चर है वो बहुत ही स्मूथ हो गया है। एंड अगर आप लॉकडाउन में स्पा के लिए नहीं जा सकते हैं तो अगर नहीं मतलब आप लॉकडाउन में स्पा के लिए तो नहीं जा सकते तो ये एक बेटर ऑप्शन है रीजनेबल अमाउंट में। तो आप देखो मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो काफ़ी लाइक सॉफ्ट हो गया है। अभी आप मेरे बाल देखो नेचुरली स्ट्रेट लग रहे हैं, आप वापस जाकर के देखो रिवर्स करके, तो उस टाइम पे बाल मेरे बहुत टेढ़े मेढ़े थे, अभी थोड़े से स्ट्रेट लग रहे हैं। एंड 80 रुपीज़ में इस प्रोडक्ट ने काफ़ी कुछ बालों में कर दिया, अगर आप इसे वीक में एक बार या फिर मंथ में 2-3 बार भी लगा लेते हैं तो आपके बालों का टेक्स्चर इम्प्रूव हो जाएगा। 80 रुपीज़ में और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो हिमालय के प्रोटीन हेयर क्रीम पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय।